अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे और हमारी भी आज की सुबह बहुत फ्रेश और अच्छी है। और वेलकम है आपका सारा एंड मॉमी चैनल पे। सारे देखो क्या कर रहे हैं। और आज का व्लॉग आपको डेली रूटीन देखने मिलेगा। कल हम लोग नाइट सूख गए थे, जिसका मैंने व्लॉग डाल दी हूँ, तो आप वो व्लॉग देख लो, काफ़ी अच्छा मज़ेदार व्लॉग है। और आज के दिन में क्या क्या होता है ये अभी मैं आपको बताती हूँ। एक्चुअली हमारा दिन का कुछ ऐसा फिक्स नहीं होता है कि क्या होने वाला है, इसलिए मैं ज़्यादा इंट्रोडक्शन में रोज़ कुछ बताती नहीं हूँ, मगर वीडियो में आगे आप देखोगे तो बहुत सारी अच्छी चीज़ें मिलती है। आज मेरा पढ़ाई का क्या क्या है वो मैं आज के व्लॉग में आपको बताऊँगी, और ज़्यादा चीज़ें पता नहीं क्या होगी क्या नहीं होगी, तो आप व्लॉग देखो तो आपको पता चल जाएगा। तो अभी ब्रेकफास्ट के बाद मेरा सब काम हो गया है, जो मैं रोज अपना थोड़ा हॉल क्लीन कर लेती वो काम हो गया है। अभी मैं अपना पढ़ाई करूँगी। देखो ये तो मैंने अभी पूरा मेरा हॉल क्लीन हो गया है। ये सिर्फ सारा के कुछ खिलौने होते हैं, वो दिन भर मैं ऐसे ही रखती हूँ क्योंकि उसको बार बार देना पड़ता है। अभी ये रहा मेरा टेबल जहाँ पर मैं स्टडी करती हूँ। और अभी मैं अपना थोड़ा स्किन रूटीन जो मेरी है, स्किन केयर रूटीन, ये मैं करूँगी। उसके बाद में मैं अपनी स्टडीज़ चालू करूँगी। स्टडीज़ में मैं क्या पढ़ती हूँ ये मैं अभी आपको बताती हूँ। तो ये है वाइटल बुक सोर्स, वाइटल सोर्स बुक शेल्फ। तो ये हमने इसका हमने सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है। तो यहाँ पे अगर मैं स्टोर में जाऊँगी तो यहाँ मेरा नाम दिखाता है, सोलियाज बुक शेल्फ। तो इसमें जितने बुक्स मैंने डाउनलोड करके रखे हुए हैं वो सब मैं पढ़ सकती हूँ। फिलहाल मैं ये वाली पढ़ रही हूँ, वीएमवेयर वीसैन प्लान एंड डिप्लॉय। तो मुझे वीसैन का एग्जाम देना है तो उसकी ये तैयारियाँ मैं अभी कर रही हूँ। तो यहाँ पे ये लैब की मैनुअल भी है मेरे पास, और बाकी के जो कोर्सेज मुझे करने हैं उसके भी मैंने बुक्स डाउनलोड करके रखी हूँ। तो यहाँ पे ये इसका पीडीएफ मेरे पास प्रिंटेड भी है, और यहाँ पे इसका पीडीएफ प्रिंटेड है, और ये जो है वो यहाँ पे इसका पीडीएफ दिखता भी है मुझे। तो मैं यहाँ से अपनी पढ़ाई करती हूँ रोज़। तो जब मैं पढ़ाई करती हूँ तब देखो मैं सारा को क्या करती हूँ। सारा इधर ऐसे कार्टून देखती है और मैं अपनी पढ़ाई करती हूँ। अभी हमारा लंच टाइम हो गया है। आज आसमंटी ने स्पेशल में पाया बनाए हैं और फ्रेंच बीन्स की सब्जी बनाए हैं और रोटी है और चावल भी बने हुए हैं। तो अभी हम लोग लंच करेंगे। और सारा का मैंने एग एंड बनाना पैनकेक बनाई हूँ। आज उसने ब्रेकफास्ट में ओट्स खाई, इसलिए लंच में एग एंड बनाना पैनकेक उसको दूंगी मैं। तो अभी दोपहर के 3 बज रहे हैं और अभी मैं जो है वो पढ़ाई कर रही हूँ। तो सारा देखो सारा सो रही है। तो जब आपके बच्चे सोते हैं तो आपको पढ़ाई करनी हो या कुछ और भी काम करना हो तो ये बेस्ट टाइम होता है। कोई भी एफिशिएंटली अगर काम करना है तो बच्चे जब सोते हैं तब आप वो काम करो। तो अभी शाम के 4:15 हो रहे हैं और हो गया है मेरा इवनिंग स्नैक का टाइम। मेरी दोपहर की जो पढ़ाई मैं करती हूँ वो तो पूरी हो गई है। सारा भी उठ गई है, सारा अभी खेल रही है हॉल में। मैं आई हूँ किचन में अपना इवनिंग स्नैक देखने के लिए। तो आज मेरे पास इवनिंग स्नैक के लिए कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग है, वो है ये लुफ्त शेजवान भेल। तो अब ये पैकेट में क्या होता है ये मुझे भी नहीं पता है, तो देखती हूँ मैं इसके अंदर क्या है और आप सबको भी बताती हूँ। इसको खोलने के बाद आपको पहले तो एक टिश्यू मिलता है, और इसमें मुझे लगता है इसका मटेरियल है, भेल का जो मटेरियल होता है वो इस पैकेट में है। और इसमें और क्या है अंदर, ये है शेजवान चटनी। तो इसमें शेजवान सॉस है और ये मटेरियल है। तो अभी मैं देखती हूँ ये कैसे बनता है। तो अभी ये मटेरियल आप सब लोग देख सकते हैं कि इसमें क्या क्या है। जो नॉर्मल भेल का मटेरियल होता है ड्राई मटेरियल वो है ये सब। अभी इसमें मैं ये शेजवान सॉस या चटनी जो भी है वो मिला देती हूँ। तो अभी ये मेरी भेल बन के रेडी हो गई है, मगर जब मैंने टेस्ट करके देखी तो ये खाली उतनी अच्छी नहीं लग रही है सिर्फ सॉस मिला के, इसीलिए मैं इसमें अभी ये प्याज टमाटर और हरी मिर्च डाल दूँगी। थोड़े से ही मैंने प्याज कट किया है।
तो ये सब इसमें मिलाऊंगी और फिर देखती हूँ कैसी लगती है, बेहतर लगती है कैसी लगती है। तो जब मुझे कुछ बनाने के लिए इतना मूड नहीं रहता है तब ऐसे हैक्स और ऐसी चीज़ें मैं ट्राई करती हूँ। ये अभी बनकर रेडी हो गई है, अभी मैं टेस्ट करके बताती हूँ। पहले से बेटर है, मगर मैं रिकमेंड करूँगी कि आप ये भेल मत लो, क्योंकि ना ये चाइनीज़ रही है ना ये इंडियन बनी है, ये कुछ चाइनीज़ और इंडियन का कुछ अलग ही हो गया है। तो अभी इवनिंग स्नैक होने के बाद यहाँ फर्स्ट फ्लोर पे बच्चों के खेलने के लिए जगह बनी हुई है, प्लेइंग एरिया है बच्चों का। तो मैं रोज़ इवनिंग में सारा को वहाँ पे लाती हूँ साइकिल पे। तो देखो सारा रेडी है। सारा घूमने आए हम? हाँ, तो सारा बहुत खुश रहती है यहाँ पे, उसको आने के बाद बहुत फ्रेश फील होता है। तो यहाँ पे पूरा इतना बड़ा प्लेइंग एरिया है यहाँ पे नीचे बच्चों के लिए है खास। आगे ये यहाँ लेडीज़ जिम है जहाँ ये औरत जा रही है, और ये पूरा प्लेइंग एरिया है। यहाँ पे रात रात के टाइम पे बहुत सारे बच्चे आते हैं। तो ये देखो बच्चे खेल भी रहे हैं। मम्मा को बोल दो, सारा मम्मा को बोल दो, मम्मा को बोल दो, ये लो पकड़ो, बोल बोल सारा सारा बोल लो, डिश मम्मा को दो बोल, थैंक यू, ये लो सारा सारा बोल ले लो, मामा को दो, आ, ए, ए, ओ लग गया, बॉल लो आ ये जाओ, लो फिर से सारा ऊपर बॉल रखा है वो ले लो, बॉल ले लो ऊपर से, कम ऑन यू कैन डू इट। ये सारा उठो उठो, इधर देखो मम्मा को लगा देखो सारा कैसे दूसरों के बॉल मांगती है। सारा का खुद का है मगर फिर भी उसको दूसरों के बॉल चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि ये जो है ये मेन प्लेग्राउंड है जो हमारे जो सोसाइटी है उसके बीच में है। तो यहाँ पे ये चार विंग्स है हमारे सोसाइटी में बिल्डिंग के, और ये फर्स्ट सेकंड थर्ड और ये रहा एक फोर्थ विंग। तो हम ये विंग में रहते हैं। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अच्छी बड़ी एरिया है बच्चों को खेलने के लिए। तो ये देखो नीचे फर्स्ट फ्लोर से आपको बालकनी है, वहां से ये व्यू दिखता है बहुत दूर दूर तक, अच्छे चीजें, सनसेट भी दिख रहा है पूरा, इधर का पूरी लेन दिखती है यहाँ से। तो अभी मगरिब का टाइम हो गया है, तो अभी मैं जाऊंगी घर पे और फिर उसके बाद देखती हूँ क्या करना है। सारा के नाना ने सारा के लिए आज 3 सूप के वैरायटीज लाए हैं। एक्चुअली ये सूप बड़ों का है पर बच्चों को भी दे सकते हैं, इस पे लिखा हुआ है, मैंने पढ़ा है। तो आज मैं उसको ये वाला सूप बनाऊंगी, एस्पेरेगस सूप, और ये वाला है ओट्स लेंटिल एंड चिकपी सूप, और ये वाला है चिकन एंड कॉर्न सूप। तो आज मैं स्टार्ट उसको इससे कर रही हूँ। ये सर्विंग 2 के लिए है मगर मैं उसको हाफ ही बनाऊंगी, तो ताकि उसको 1 के लिए हो जाएगा। तो अभी आगे भी मैं देखती हूँ, जब ये वाले पिलाऊंगी तब देखती हूँ कैसे होता है और फिर आपको उनका रिव्यू दे दूंगी। तो अभी देखो ये सूप मैंने बनाया है, सूप बन के रेडी हो गया है। आधा पैकेट मैंने डाल दिया है सूप में और अभी आधा पैकेट मैं इसमें स्टोर करके रखूंगी इस कंटेनर में।
तो अभी मैं आपको सारा का रिव्यू बताती हूँ कि सारा को कैसा लगता है सूप। कैसा है? कैसा है? मस्त है सारा? अच्छा है? सारा अच्छा है? आता रहो। कैसा है सारा खाना? अच्छा है? यमी है। शायद सारा को अच्छा लग रहा है सूप, अभी खाई जा रही है। आ करो। तो अभी रात का टाइम हो गया है और सारा ने उसका खाना खा लिया। हमारा भी लंच डिनर हो गया है, सॉरी। और आज का दिन मेरा कैजुअल डे था। यूजुअली मेरी दोस्त की रूटीन ऐसी ही रहती है, और जब भी कुछ नया होता है तो फिर मैं वो आपको दिखाती हूँ। तो आपको मेरे वीडियोस में और क्या देखना है, कुछ सीखना है तो आप मुझे बताओ, कमेंट करो। और काफ़ी कमेंट्स अभी कुछ कुछ लोगों के आ रहे हैं और मैं बहुत खुश हूँ इस चीज़ से। तो बस आपका सपोर्ट रहेगा तो मेरा चैनल आगे बढ़ता रहेगा। और मेरे वीडियोस को लाइक करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट करो। और फिर मिलती हूँ मैं आपसे कल के व्लॉग में। गुड नाइट।